नाही नाही अरे परत कधीतरी कोण ठोकला बिकला तर आपल्याकडे फुटेज राहते ना जवळ. तो गाइस अभी पेट्रोल भरवा लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं एक नवी नवेली दुल्हन लाने. दुल्हन इन द सेंस मेरा फ्रेंड बाइक ले रहा है, तो बाइक बुक करने के लिए जा रहा है. और बाइक के लिए ना आप गेस करो, हमारे ग्रुप में ना एक ही दिन में दो बाइक आने वाली है और उसका डीएनए जो होगा वो सेम रहेगा. बस इतना ही मैं आप लोगों को हिंट दे सकता हूँ. तो फटाफट जाके कमेंट में ज़रूर बताओ कि हम कौन सी बाइक लेने वाले हैं. ऑल दो बाइक होंगी और एक ही दिन में आएंगी, और उसका भी डिलीवरी का जो वीडियो है वो मैं कवर करूँगा, बिकॉज मेरे ग्रुप में दो बाइक आ रहे हैं, दोनों ही दोस्त सेम बाइक ले रहे हैं. मे बी कलर भी सेम ही हो सकता है, और आपको बता दूँ कि डीएनए सेम होगा तीनों बाइक का. तो पहले ही एक बाइक की बुकिंग हो चुकी है, तो अभी एक और बाइक की हमें बुकिंग करवानी है, और वो जो कलर है वो अभी तो मैं नहीं बता रहा हूँ. तो एक बाइक जो बची हुई है तो उसकी बुकिंग करते हैं. मे बी शायद से उसका जो प्राइस है वो प्राइस अभी बढ़ गया रहेगा 2-3 हज़ार, ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज जब हम बाइक का कोटेशन निकालने को गए थे तब वो बोले थे कि 2-3 दिन में ऑलमोस्ट बाइक का पेट्रोल क्या बोल रहा है, जो बाइक का रेट है वो बढ़ जाएगा. और उस बात को हो चुके है पूरे 5 से 1 हफ्ता हो चुका है उस बात को. और अभी जो सन जो डायरेक्ट लेंस पे पड़ रहा है ना गोप्रो के, तो इसकी वजह से जो वीडियो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं आ रही होगी. लेकिन इन दिनों में यही एक अच्छा टाइम है, ये टाइम और मॉर्निंग वाला टाइम कि हम बाइक निकाल पाए अच्छे से, नहीं तो दोपहर के वक्त बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी. एंड गाइस बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि तेरे पास गोप्रो है, अभी तो माइक अडाप्टर भी ले लिया है, तो ये बंदा मोटो ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहा. तो मेरा बस एक ही मोटिव है, अगर मैं जो भी कुछ वीडियो डालूँ तो उसमें ना थोड़ी बहुत चीज़ हो जो आप ले सको, मतलब सीखने वाली कुछ, मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, तो तभी मैं ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ, ऐसा मुझे लगता है. नहीं तो ऐसे ही आए जाए ये ब्लॉग तो डालते ही रहूँगा, लेकिन वो मुझे डालना अच्छा नहीं लगता. बिकॉज क्या है, अगर आप देख रहे हो किसी पर्टिकुलर रीज़न से तो आपको कुछ ना कुछ मेरी तरफ से वैल्यू मिलना चाहिए. दैट्स वाई मैं ऐसे ही ब्लॉग नहीं अपलोड करता. अगर जो भी रहता है तो अगर ब्लॉग डाल भी रहा हूँ ना तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंड रहता है. और जो अपने टेक्निकल ब्लॉग है, मतलब टेक्निकल इन द सेंस बाइक का रिव्यू हो गया, माइलेज हो गया, तो वो वीडियोस बहुत चल रही है हमारी. और मुझे लगता है शायद से कौन सेट का काम आ चुका है, कौन सेट है ना मेरा बाइक का कट-कट आवाज़ करने लगा है. तो अभी जस्ट यहाँ पे एक डीलरशिप है कनक मोटर्स, तो वहाँ पे जाएंगे और बाइक बुक करवाएंगे. तो गाइस रिकॉर्ड में खेद है क्योंकि इससे पहले मैंने एक ब्लॉग शूट किया था जो टायर वाला ब्लॉग था वो, लेकिन उस दिन की जो है मेरे से सारी की सारी क्लिप्स डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे. लेकिन मैं एक दो क्लिप जो है वो रिकवर कर पाया, तो पहले आप वो देख लो एंड देन फिर इसके बाद ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं. तो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडी ब्लॉग. तो अभी मैं जा रहा हूँ टायर चेंज करने, जो मैंने निसान टायर से लिया था, दैट्स अ पिरेली सी डेमोन 130/70 R17. तो ये रहा टायर. तो अभी सीधा जाते हैं टायर शॉप पर और टायर चेंज करवाते हैं और आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ. तो गाइस 1 आवर के शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. मतलब ये जो एक थिंग है जो हर कोई बाइकर जो है अपने बाइक का टायर चेंज करवाने से पहले करता ही है. तो अभी जाते हैं और देखते हैं कोई अच्छा सा टायर शॉप, और वहाँ से फिर हमारे बाइक का जो टायर है वो चेंज करवाएंगे.
तो गाइस देख सकते हो फाइनली हमने जो बाइक का टायर है वो चेंज करवा लिया है, ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में टायर है। आप ग्रिप देख सकते हो, मैं घर पे जाके जो मोबाइल से जो शॉट है तो वो भी दिखा दूंगा। और हमारा ये रहा ओल्ड टायर, तो ओल्ड टायर भी हमने साथ में ले लिया है, इनकेस इमरजेंसी के वक्त उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अभी जो बाइक जो है वो पूरा बुकिंग हो चुका है, तो अभी जस्ट देखते हैं हमको कब डिलीवरी लेनी है। और ग्रुप में जो है हमारे खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, मतलब एक ही डीएनए की तीन बाइक होगी हमारे ग्रुप में। अरे यार मैं बात बात में जो हिंट दे रहा हूँ ना उससे कोई भी आसानी से समझ जाएगा। चला सिग्नल तो बंद है तो अपन जाऊ सकते। अरे यूट्यूब चैनल है दादा माझा? हाँ नाही ना, अरे परत कधीतरी कोण ठोकला बिकला तर आपल्याकडे फुटेज राहते ना जवळ, हवालदार वगैरे पण जास्त त्रास देत। हा आता नवीन गेला असेल तर 32,000। हा माझा AKT ब्लॉग्स। हा मी असंच फिरतो वगैरे, आता ट्रॅव्हलिंग सुरू करायचंय त्याच्यामुळे मी हा घेतलाय चॅनल। तो गाइस देखो बहुत अच्छे थे वो लोग, मतलब दीज आर द फर्स्ट वंस, मतलब जिन्होंने मुझे रोक के ऐसा प्रॉपरली पूछा है कि मतलब ये क्या है क्या करते हो। अच्छा लगता है ऐसे बातें करके। It was at this moment that he knew he fucked up. Hold up.